तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लोग अपने कोचिंग पे सरस्वती पूजा का डेकोरेशन कर रहे हैं और अब थोड़ा बहुत काम हुआ है, सभी बच्चों ने मिलके एक अच्छा शानदार काम किया है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी काम जो है प्रोग्रेस में ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं और शानदार तैयारी चल रही है। मतलब बच्चों का मेहनत है और इसको देख के मतलब क्या ही कहा जाए, अद्भुत है। और बच्चों में ये कला देख के मतलब एकदम मन खुश हो जाता है कि भाई पढ़ाई के अलावा भी हर चीज़ों में आगे हैं। तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, चलिए कनेक्टेड रहिए वीडियो से। तो फाइनली हमारी डेकोरेशन हो चुकी है और थोड़ा बहुत कुछ जो बाकी है वो कल सुबह के बच्चे कर लेंगे, सब लोग मिलके कर लेंगे। बाकी अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ये, और डेकोरेशन काफी हाई लेवल पे नहीं, लेकिन हमने क्या है परमानेंट मूर्ति बैठाई है कि हम अपने एकेडमी में पूरे साल के लिए मूर्ति रखेंगे, और उस हिसाब से छोटी मूर्ति है हमारी, तो हमने ये डेकोरेशन भी वैसा ही किया है, तो काफी अच्छा रहा मतलब। और बाकी जो साफ सफाई का काम है वो सुबह किया जाएगा, या देखते हैं रात में आएंगे तो रात में मिलके थोड़ा सा साफ सफाई का भी काम करेंगे। और बाकी आज जो मौसम है, मौसम आज काफी खतरनाक क्या हुआ है, सुबह से बारिश हो रही है, तो मैं आपको एक बार मौसम का भी नजारा दिखा देता हूँ। तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है जैसा आप देख पा रहे होंगे, एकदम बादल, बारिश और माहौल एकदम थोड़ा सा खतरनाक हो गया है। और लाइट भी कट गई है, तो लाइट कट जाने के कारण, जिसके कारण क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है हमें। पूजा फाइनली हो चुकी है, आज बेसिकली सरस्वती पूजा का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे काफी बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे रहते हैं और भी काम हो जाता है, जिसके कारण बेसिकली मैं इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन आज सेकेंड डे है और मॉर्निंग का टाइम है, और इसके बाद आएंगे पंडित जी, हवन का काम होना है। हवन का काम होने के बाद अगर आज संडे है, अगर आज बोलते हैं कि हम लोग कलश का विसर्जन कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हमने पूजा की है, तो अगर कलश का विसर्जन हो पाएगा आज, तो हम लोग आज विसर्जन कर देंगे ताकि कल से जो है पढ़ाई वो रेगुलर सही तरीके से चल सके, और नहीं हो पाता है तो कल मंडे को हम लोग सुबह सुबह कर देंगे। बाकी आते पंडित जी, उनसे समझते हैं, फिर जो जैसे होता है वैसे चीजें करते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली आए हैं यहाँ गंगा सागर पोखर पे और कलश का विसर्जन करेंगे। लग तो नहीं रहा है कि पानी है, देखते हैं। और सिर्फ हमें कलश का विसर्जन करना है, मूर्ति का तो विसर्जन करना नहीं है, वो तो हमने परमानेंट बिठाया है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे विसर्जन करते हैं। ए तुम मत करना, आ रहे रुको। ये गंगा सागर हमारा सागर है नहीं, बस गंगा जी भी नहीं है, ना मात्र। तो फाइनली हम लोगों ने कलश विसर्जन कर दिया, सरस्वती मैया की जय। और सरस्वती पूजा एक तरीके से कहे तो संपन्न हो गया है। अब जो मूर्ति है उसको हम लोग कहीं स्थापित कर देंगे कोचिंग में, और वो करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने टुकड़ों टुकड़ों में लेकिन एक कंप्लीट व्लॉग बना दिया, जो जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी या जो हमने अच्छे लम्हे गुजारे वो आपके साथ शेयर किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।